आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया पहुंचे आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी से दिल्ली के बुरारी से विधायक संजीव झा ने एक के बाद एक सरकार पर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त भी बताया, डिप्टी सीएम के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए, साथ ही साथ विकास के दावे करने वाले नीतीश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। दरअसल पूर्णिया पहुंचे संजीव झा ने पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के संगठन मजबूती पर बात की और ये सीधे तौर पर घोषित कर दिया कि वर्तमान पंचायत चुनाव में संगठन के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि पार्टी टिकट पर नहीं, लेकिन संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के लिए यहीं से रणनीति भी शुरू होगी। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में सरकार विकास के लिए काम ही नहीं की है, डिप्टी सीएम अपने परिजनों को ठेका देकर खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर बिहार में आ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि संगठन मजबूत करने के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया है दिल्ली में, उसी तरह से वो बिहार में भी मजबूती के साथ उतरेगी। बिहार की जनता को सरकार के तौर पर विकल्प चाहिए और आम आदमी पार्टी एक ऐसा ही विकल्प बनकर आई है। आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। किस तरह की रणनीति पर चर्चा हुई? और देखिए, अभी मैं बिहार के अलग अलग जिले जाकर ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि हमारी संगठन की क्या स्थिति है, किस तरह संगठन का विस्तार होगा और क्या हमारी कार्य योजनाएँ हैं। आज पूर्णिया में 28वीं डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैं अपने कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों को विचार विमर्श के बाद ये मानना था, क्योंकि अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थक जो आम आदमी पार्टी के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, आम आदमी पार्टी खास शैली में विश्वास रखते हैं, वो पंचायत चुनाव पार्टिसिपेट करें। हालांकि सिंबल पे चुनाव नहीं होता, लेकिन जो भी समर्थक हैं वो जहां कहीं भी हैं वो चुनाव लड़ें और हमारे संगठन साथी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज कमोबेश जो बिहार की हालात है, ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता अनाथ महसूस कर रही है। जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ सरकार को चुना, आज सरकार, आज जो मुख्यमंत्री ये कॉलिशन अपनी कुर्सी की जद्दोजहद में आज जनता को भूल गई है। आज देखिए, भ्रष्टाचार का ये आलम है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग इतना बड़ा व्यापार बन चुका है, बिना लेन देन की कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती नहीं, तो जनता का शोषण होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि डिप्टी सीएम ने अपने लोगों को नल जल योजना की ठेकेदारी दी, और ठेकेदारी दी तो दी, बिना काम किए काम की कंप्लीशन रिपोर्ट भी हो गई, यानी करोड़ों का भ्रष्टाचार उनके हमारे डिप्टी सीएम के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनके भेंट चढ़ गया। एक इंजीनियर अगर रंगे हाथ लाखों रुपए के साथ पकड़ा जाता है और ये कहता है कि अगर मैं मुंह खोल दूं तो सरकार सत्ते में आ जाएगी। पहले डिप्टी सीएम, आप सबने सुना होगा कि JDU के विधायक ही कहते हैं कि भाई भागलपुर जिले में आते हैं और उगाही करते हैं। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार का खेल जो है वो मंत्री सरकार के संरक्षण में चल रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री आज बेवश हैं और लाचार नजर आ रहे हैं। शराबबंदी का खूब ढिढोरा पीटा गया, लेकिन मैं जिस किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं, लोग ये कह रहे हैं कि शराब का एक पहले तंत्र तैयार हो गया है, जिस संरक्षक पुलिस, आज पहले शराब की दुकान में मिलती थी, आज पुलिस होम डिलीवरी करके लोगों घर तक पहुँचा रही है। मैं भी सीमांचल में और बाढ़ग्रस्त एरियों में कई जगह गया, हमने देखा हर बार बाढ़ एक भीषण आपदा लेकर आती है। बारिश के मौसम में लोग को त्रासदी होता है उनके लिए, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। उल्टा में देख रहे हैं कि बाढ़ का आपदा में अवसर है नेताओं के लिए, मंत्री के लिए, अधिकारी के लिए। सैकड़ों करोड़ आपदा नियंत्रण के नाम पे आता है, उसकी लूट हो जाती है। एक तरफ दिल्ली में दिल्ली की सरकार जो 5 साल में जो काम किया है उसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो रहा है, लोग से केजरीवाल मॉडल कह रहे हैं। सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया, देखिए आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ जा रही है, पहला काम चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी सरकार, अपने मुख्यमंत्री बदलती है, यानी वो मानती है कि जब आम आदमी पार्टी आएगी तो ईमानदारी की बात करेगी, और उनके मुख्यमंत्री या उनके मंत्री ईमानदार हैं नहीं तो पहले चेहरे बदल दो, लेकिन कपड़े बदलने से शरीर नहीं बदलता। तो मुझे ये लगता है कि आज पंजाब में पंजाब की कांग्रेस अब वो PCC भी नहीं, एक तरह के सर्कस क्लब बन के रही, पंजाब सर्कस क्लब बन के रह गई है। रोज नाटक हो रहे हैं और
पंजाब की जनता देख रही है। मुझे लगता है कि पंजाब में पंजाब के लोगों ने भी मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, ताकि जो दिल्ली में दिल्ली के लोगों को तीसरा मॉडल से फ़ायदा होगा, पंजाब के लोगों को मिले। लेकिन केंद्र ने इसको रिफ्यूज कर दिया, इसको आप किस वक्त? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। मुझे लगता है कि जातीय जनगणना से अगर समाधान मिलता है तो होनी चाहिए, लेकिन मेरा दूसरा मानना है कोरोना के सेकेंड वेव में बिहार की स्वास्थ्य सुविधा चरमराई, थर्ड वेव आएगा ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन चर्चा तो इस पर पुरजोर होनी चाहिए थी। विपक्ष को भी पूछना चाहिए था और हम सबको भी पूछना चाहिए कि थर्ड में ऐसी क्या तैयारी सरकार ने किया कि जो सेकेंड वेव में जो त्रासदी झेला वो बिहार थर्ड अगर वेव आता है तो त्रासदी ना झेले। अलग अलग राज्य दिल्ली की दिल्ली सरकार ने बताया कि हमने क्या क्या तैयारी किया, क्या एक्सपर्ट कमेटी बनाई, कितने वेंटिलेटर बढ़ाए, कितने बेड बढ़ाए, लेकिन बिहार ना तो मुख्यमंत्री ना स्वास्थ्य मंत्री को भी बताया कि हमारे कितने बेड बढ़ गए, कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी है कि नहीं बनी है। लोग कह रहे हैं कि बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बनी कि नहीं बनी। तो बगैर आज इन तमाम मुद्दे जिससे जनता आहत और जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए, पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए, फिर बाकी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अभी इससे पहले सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजीव झा के स्वागत के लिए पहुंचे। गाजे बाजे के साथ आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर रैली की शक्ल में दिखे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नियाज अहमद ने बताया कि 3 वर्षों में पहली बार बिहार प्रभारी संजीव झा पूर्णिया आ रहे हैं। यहाँ पहुंचकर वो पहले पूर्व विधायक अजीत सरकार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद स्थानीय शिनायक होटल सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दरमियान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सर में आम आदमी पार्टी की टोपी और हाथ में झंडा थामे नजर आए।